पर्यावरण प्रबंधन व संरक्षण के लिए मथुरा रिफाइनरी सदैव ही समर्पित रही है। इसी श्रृंखला में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में रिफाइनरी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने रैली निकालकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाना और स्वस्थ और हरे भरे भविष्य के लिए एकजुट होकर कार्य करना। प्रभात फेरी का मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख आशीष कुमार मायती ने हरी झंडी दिखाकर कम्युनिटी सेंटर मथुरा रिफाइनरी नगर से इस रैली को रवाना किया और साथ ही रैली का हिस्सा भी बने। पर्यावरण संरक्षण रैली नगर के रिंग रोड होते हुए निकली, जिसमें रिफाइनरी के अधिकारी कर्मचारी महिलाएं व बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के नारे लगाकर सभी को धरती माँ के प्रति स्नेह और सम्मान दर्शाने का संदेश दिया। इस वर्ष केवल एक पृथ्वी विषय पर मनाए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह का हिस्सा बनते हुए मथुरा रिफाइनरी ने रविवार के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी कटिबद्धता को भी दोहराया। मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख आशीष कुमार मायती ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ हिंदी में ग्रहण करवाई। यही शपथ अंग्रेजी में कार्यकारी निदेशक देवजीत गोगाई ने सभी उपस्थित रिफाइनरी कर्मियों व पुरस्कार विजेताओं को दिलाई। कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख आशीष कुमार मायती ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने की आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैधा द्वारा भेजा गया संदेश मुख्य महाप्रबंधक पीटी सोलंकी ने सभी को पढ़कर सुनाया। निदेशक रिफाइनरी शुक्ला मिस्त्री का संदेश मुख्य महाप्रबंधक अजय कैलर ने सभी को पढ़कर सुनाया। इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी संघ के महामंत्री शैलेंद्र कुमार व इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन मथुरा रिफाइनरी के सचिव रविंद्र यादव ने सभी उपस्थितों को पर्यावरण के प्रति अपना स्नेह और प्रेम दर्शाने का आग्रह किया। इस अवसर पर मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम किशन, मुख्य महाप्रबंधक पीके सिन्हा, वृंदा क्लब के अध्यक्ष लवली माइती और उनके कार्यकारिणी सदस्यों सहित पुरस्कार विजेता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया गया, जिसमें रिफाइनरी की पर्यावरण तकनीकों, रिफाइनरी व टाउनशिप में मिलने वाले पेड़ पौधों व पक्षियों के बारे में जानकारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं, बच्चों व रिफाइनरी कर्मियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे नारा, निबंध, क्यूज, पेंटिंग आदि का आयोजन किया गया था, जिसके विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत किया गया। मथुरा रिफाइनरी नगर से दिनेश सिंह करकर की खास रिपोर्ट। रिफाइनरी नगर स्थित कम्युनिटी सेंटर में मथुरा रिफाइनरी द्वारा 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी भी निकाली गई, क्विज कंपटीशन भी कराए गए और तरह तरह के आयोजन किए गए ताकि समाज को जागरूक किया जा सके पर्यावरण के प्रति। हमारे साथ हैं मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख आशीष कुमार मायती जी। जी सर, आज आपके द्वारा आपकी मथुरा रिफाइनरी परिवार ने वृक्षारोपण किया है, तरह तरह के कार्यक्रम किए हैं, प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक किया है पर्यावरण के प्रति, क्या सही? हाँ, ये ठीक बोल रहे हैं। 5 जून हर साल हमने ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो इसको हम विश्व पर्यावरण दिवस इसको हम पालन करते हैं। ये जो है 50वां पर्यावरण दिवस पालन है। 1972 में यूनाइटेड नेशंस में इसको सोचा था, एक्चुअली फर्स्ट जो चालू हुआ था 1974 में वो भी यही थीम था, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। तो ये 50 साल बाद में भी इसी में सेम उसको थीम रखा गया, एक ही पृथ्वी, क्योंकि हमारा तो जनसंख्या बढ़ रहा है, हमारा डेवलपमेंट बढ़ रहा है, एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन वो पर्यावरण को ठीक से हम लोग देखे नहीं हैं अभी तक, मतलब जितना भी है उसको ध्यान में रखने आए। तो रिफाइनरी टाउनशिप में बहुत सारा कार्यक्रम लिए हैं, उसमें जितना भी बच्चे हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ये लोग टेक पार्ट किए हैं। इसमें पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुई है, स्लोगन कॉम्पिटिशन हुआ है, और भी सारे चीज़, काफ़ी सारे योगदान किया, प्रभात फेरी किए हम लोग, तो इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किए हैं। आज उसका जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी थी, तो बहुत ही अच्छे से हुआ है। सब रिफाइनरी सर अपने उद्भव काल से ही पर्यावरण
संरक्षण के प्रति कटिबद्ध रही है। और मथुरा रिफाइनरी नगर भी देखा जाए तो जनपद ही नहीं, आगरा मंडल में सबसे ज़्यादा हरा भरा एक कॉलोनी है, एक टाउन है क्या सर? हाँ, ये मथुरा रिफाइनरी शुरू से ही, क्योंकि ये आपको पता होगा, क्योंकि ये रिफाइनरी जो है ताज का नज़दीक में है, ताज ट्रापीजन जोन में पड़ते हैं, तो हमको पूरा सजग रहना पड़ेगा। आपको मालूम होगा रिफाइनरी के अंदर में ही ये हमारा इकोलॉजिकल पार्क एक है, जो पार्क में माइग्रेटरी बाढ़ भी आता है। जहाँ पे माइग्रेटरी बाढ़ आता है तो नेचुरली वही दिखाता है, जो आम प्रमाण करता है, जो हमारा जो प्रदूषण जो होता है वही वातावरण के लिए बिल्कुल हम लोग कोई नष्ट नहीं करते, हानि नहीं डालते हैं। प्लस जो आप ग्रीन एनवायरमेंट का बात कर रहे हैं, पेड़ लगाना, काफ़ी सारा पूरा टाउनशिप भी हरा भरा है उसमें, प्लस रिफाइनरी अंदर में काफ़ी पेड़ है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है 33% पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ये हमारा ग्रीन एरिया हो, ग्रीन बेल्ट हो, वो हम लोग कर रहे हैं पूरा, इसमें पूरा सहयोग है शुरू से लेकर अभी तक। हर क्षेत्र में हम पेड़ लगाना, बाकी पानी जो है सही सलामत करके जमुना में छोड़ना, ऊपर में जितना भी अब हमारा स्टैक से जो बाहर में जाता है उसका सारे चीज़ मॉनिटर होता है, SO2 वो अदर जो पॉल्यूटेंट्स है उसको मेजर करके छोड़ते हैं। हमेशा उसका जो है, कभी ऐसा नहीं हुआ जो फेल कर गया कुछ, हमेशा जो लिमिट है उसका अंदर भी हम रखते हैं। पर नया नया कुछ चीज़ हम रिसेंटली किए हैं, मथुरा रिफाइनरी का जो फ्लेयर लॉस बहुत ज़्यादा था, हमने काफ़ी कंट्रोल किए हैं। अभी सारी रिफाइनरी में हमारा फ्लेयर लॉस सबसे कम है, हमारा रिफाइनरी जीरो स्ट्रीमलिंग रिफाइनरी है। और बहुत निकट भविष्य में हम लोग जो प्रयास कर, लक्ष्मी नगर से जो पानी आएगी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, वो पानी को भी हम रिफाइनरी का इंडस्ट्रियल यूज के लिए करेंगे। उसके बाद में हमारा रिफाइनरी में जो फ्रेश वाटर है वो कंजम्पशन नील हो जाएगा इंडस्ट्रियल यूज के लिए, खाली पीने वाला पानी के लिए जितना चाहिए इतना हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा लगातार ये प्रयास चलते रहेगा। प्लस जितना भी ये CO2 एमिशंस कम करने के लिए सारे जो एनर्जी कंजर्वेशन हमारा जो स्कीम्स है वो जल्दी हम लागू कर रहे हैं, सारे क्षेत्र में हम कर रहे हैं, जो एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, जो दे कम मिनिमम साधन में जो फॉसिल फ्यूल जला के जो भी कर रहे हैं वो बहुत कम से कम हो और पर्यावरण को ठीक रखें। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख आशीष कुमार माहिती जी, उन्होंने आज बताया कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को शपथ भी दिलाई गई है, तरह तरह के कंपटीशन भी किए गए थे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति मथुरा रिफाइनरी सदैव अपने उद्यम काल से ही कटिबद्ध रही है, और आज पर्यावरण संरक्षण के उसमें वृक्षारोपण भी किया गया है कम्युनिटी सेंटर में। वॉइस फॉर नेशन न्यूज़ के लिए दिनेश सिंह तरकर, मथुरा।